Hello everyone. Welcome to our official YouTube channel, Asmuk Goswami, College of Engineering. Myself Indrajit Rajput, Assistant Professor in Department of Computer Engineering. Today we will present a software engineering on topic of SDLC, software Myths, crisis of software, layer technology and umbrella activities in previous lecture we will discuss introduction of software engineering and what are the need of software engineering in this lecture we will start with sdlc sdlc means software development life cycle when we develop a software it goes through number of phases and these number of phases are interrelated. That means we cannot change the phases of development of software. That means if you restart a software development, first we collect the requirement. You do not start with testing or designing or coding. तो वो डेवलप करने का सिक्वेंस क्या होगा और ये सिक्वेंस से बेनिफिट क्या होगा वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक सो डेवलपर शुड बी एबल टू डिलीवर गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर टू एंड यूजर यूजिंग ए वेल डिफाइंड वेल मैनेज कंसिस्टेंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस वेल डिफाइंड मीन्स यदि यूजर को कोई रिक्वायरमेंट है और उसके हिसाब से आप सॉफ्टवेयर बना दे तो सबसे पहले हम उस रिक्वायरमेंट को एक प्रिसाइज फॉर्म में डिफाइन करते हैं रिक्वायरमेंट आपकी प्रिसाइज नहीं है तो जो आउटकम आने वाला है एंड यूजर को वो इफ़िशेंट नहीं होगा दूसरा क्या है कंसिस्टेंट मीन्स रिक्वायरमेंट आप बार बार चेंज ना करें यदि आप रिक्वायरमेंट चेंज करोगे तो अदर फेसेस आल्सो चेंजेस फोर्थ फैक्टर क्या कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस मीन्स कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ मेथड हो सकती है वी कैन आइडेंटिफाई विच वन इज बेस्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल जैसे शॉर्टिंग हम करते हैं तो शॉर्टिंग की दिय नंबर ऑफ मेथड्स लाइक बबल शॉट क्विक शॉर्ट मर्ज शॉट सेल शॉट इंसर्शन शॉट सिलेक्शन शॉट तो हम देखते हैं कि कौन सी एलगुरता मुझे कॉस्ट इफेक्टिव है दैट मीन्स टेक्स लेस टाइम एंड मेमोरी नेक्स्ट वाट आर द फेसिस ऑफ एच डी एल सी वैन बी स्टार्ट डेवलपमेंट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर वस्ट वी गेट द रिक्वायरमेंट आप रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते हो रिक्वायरमेंट भी दो तरह से हो सकती है एक आप सेल्फ डेवलप कर रहे हो तो आप खुद ही रिक्वायरमेंट गैदरिंग करोगे दूसरा क्या होता है यदि कोई कस्टमर आपके पास आया है तो आप उससे रिक्वायरमेंट लोगे सो द प्रोसेस स्टार्ट बाय कलेक्टिंग द यूजर रिक्वायरमेंट आपने यूजर रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर ली उस यूजर रिक्वायरमेंट को फिर आप रिप्रेजेंट करो इट मे बी पॉसिबल कि आपका जो यूजर है वो टेक्निकल हो और नॉन टेक्निकल हो तो क्या होगा कि वो जो रिक्वायरमेंट देगा उसमें बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट होंगे जो कॉन्ट्राडक्टरी होंगे तो क्या डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो यूजर रिक्वायरमेंट आपने कलेक्ट की है इट शुड बी रिप्रेजेंटेड देम इन ए सुटेबल फॉर्म विच मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल बाय डेवलपर एनालिस्ट यूजर्स टेस्टर एंड ऑल अदर स्टेक होल्डर ऑफ द प्रोजेक्ट यदि आपने रिक्वायरमेंट कलेक्ट किए तो आप उसको ऐसे प्रिसाइज फॉर्म में लिखिए टेबल फॉर्म में लिखिए पैराग्राफ फॉर्म में लिखिए ग्राफ के फॉर्म में शो कीजिए या किसी डायग्राम के फॉर्म में शो कीजिए जिससे जितने भी उसके स्टेक होल्डर हैं उनको समझ में आए सेकेंड फेज क्या होता है सिस्टम डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन इट इज फोकस ऑन हाई लेवल डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर हाई लेवल डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर मीन्स कि आपको क्या क्या चाहिए इसमें यदि आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसका पहले ऑबर भी क्या होगा डिजाइन बेसिकली डिज़ाइन टू टाइप्स के होते हैं एक लो लेवल एक हाई लेवल लो लेवल डिजाइन में क्या करते हैं कि उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि डिज़ाइन का डिटेल डिस्क्रिप्शन क्या हुआ क्या इनपुट होंगे क्या आउटपुट होंगे कहाँ पर प्रोसेस होगी और उस इनपुट आउटपुट को प्रोसेस करने की मेथड क्या होगी और इन हाई लेवल डिज़ाइन में क्या करते हैं सिंपली ओवरव्यू देते हैं दैट इज़ इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट प्रोसेस कैसी हुई क्या क्या उसके कोड थे कंस्टेंट थे क्या पैरामीटर थे वो हम डिस्कस नहीं करते थर्ड फेज है कोडिंग एंड मॉड्यूल टेस्टिंग इन फर्स्ट फेज व्हेन बी कलेक्ट रिक्वायरमेंट आफ्टर दैट वी परफॉर्म डिज़ाइन डिजाइन के बाद हम कोडिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन कोडिंग क्या होता है एक हो जाती है डिज़ाइन के पैसे में मतलब जो एग्जीक्यूट नहीं होता बट कोडिंग हमारी एग्जीक्यूटिबल होती है मतलब जो एक्चुअल आउटपुट हमें मिलेगा वो क्या होगा प्रोडक्ट फॉर्म होगा आफ्टर कोडिंग और कोडिंग से पहले वो एक थियोटिकल कंसेप्ट होता है तो हेयर एक्चुअल कोडिंग इज डन एंड दियर आफ्टर प्रोडक्ट इज टेस्टेड टू इंश्योर अन एरर फ्री प्रोडक्ट here is one term that is testing basically testing is classified broadly into two categories one is unit testing another is integration testing in unit testing is also called module testing hum yadi hamare software mein there are number of modules hain to hum individual individual module ko कोड करेंगे और टेस्ट करेंगे जैसे कि आप C में प्रोग्राम बनाते हो तो प्रोग्राम आधा बनने के बाद आप कंपाइल करते हो और चेक करते हुए जो अभी तक मैंने प्रोग्राम बनाया है क्या इसमें कोई इरर है यदि इरर है कि जैसे कि इरर आते हैं सेमी कॉलन मिसिंग वेरिएबल नोट डिक्लेयर ठीक दिस काइंड ऑफ इरर्स इंट्रोड्यूस इन अवर प्रोग्राम तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस इरर को रिमूव करें और फिर आगे जाए देन फोर्थ फेज इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग एयर और मॉड्यूल्स एंड दीज मॉड्यूल आर टेस्टेड इंडिविजुअली। बट हम जब सिस्टम बनाते हैं तो क्या करते हैं इस सभी मॉड्यूल को इंटीग्रेशन करते हैं कम्बाइंड करते हैं जोड़ते हैं और कंबाइंड करने के बाद फिर हम टेस्ट करते हैं क्या वो सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं इट मे पॉसिबल के दो मॉड्यूल आपने इंटीग्रेट किए और सम इजनरेट करें आपने प्रॉपर इंटरफेस नहीं किया हो तो उसको हम टेस्टिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड सिस्टम टेस्टिंग सिस्टम में पूरा सॉफ्टवेयर आपका बन गया फिर हम उसको टेस्ट करते हैं देन फिफ्थ फेज होता है डिलीवरी एंड मेंटेनेंस आपने टेस्टिंग किया उसके बाद आप सॉफ्टवेयर को डिलीवर करते हो या प्रोडक्ट को डिलीवर करते हो अपने कस्टमर को और कस्टमर जब यूज करता है तो उसके बाद कुछ एरर जनरेट होते हैं जैसे कि उसकी मशीन पे प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हो रहा आपने सॉफ्टवेयर की यक्शी दे दी उसको उसने घर पे जाके उसको किया इंस्टॉल तो जब आपने सॉफ़्टवेयर बनाया था वो थर्टी टू बिट के लिए था और वहाँ पर उसका सिस्टम थर्टी टू बिट को सपोर्ट नहीं कर रहा तो दो पॉसिबिलिटी या तो आप सिस्टम बदलो या आप सॉफ्टवेयर चेंज करो दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है कि आपने सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन किया था वो सिक्सटी फोर बिट के लिए थे और आपकी मशीन है या कस्टमर की जो मशीन है वो थर्टी टू बिट है तो सिक्सटी फोर बिट का सॉफ्टवेयर थर्टी टू पर तो नहीं चलेगा जैसे आप लोग देखते हो कई बार सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करते हैं तो वहां लिखा रहता है कि डाउनलोड सेटअप फॉर थर्टी टू बिट और सिक्सटी फोर बिट तो सिमिलर है अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई एच डी एल सी परफॉर्म हम एच डी एल सी क्यों करते हैं एच डी एल सी इसीलिए करते हैं कि एस डी एल सी हमें बताया था कि विच स्टेप टू बी परफॉर्म फर्स्ट देन नेक्स्ट स्टेप देन अगली स्टेप यदि हम सिक्वेंस ऑफ स्टेप ब्रेक करते हैं तो क्या होगा कि हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी और जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो एरर फ्री पॉसिबल ही नहीं है जैसे कि आपने पहले टेस्टिंग के लिए मॉड्यूल रेडी कर लिए और टेस्टिंग हम तभी करेंगे ना जब हमारी रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो जाएंगी एनालिसिस हो जाएगी डिजाइन हो, हो जाएगा कोड हो जाएगा तब हम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे तो वे ऑफ सिक्वेंस आपको फॉलो करना पड़ेगा इससे क्या होगा कि आपको कंसिस्टेंट इफ़िशेंट और यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर डेवलप होगा देन गोज टू नेक्स्ट फेज दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर मिथ्स मिथ्स मतलब मिसबिलीव हम लोगों को कई चीज़ों में मिसबिलीफ होता है सिमिलर है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी मिसबिलीव होते हैं तो क्या होते है देयर आर सम मिसबिलीव इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज अबाउट द सॉफ्टवेयर एंड प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग सॉफ्टवेयर फॉर एनी सॉफ्टवेयर डेवलपर इट इज मस्ट टू नो सच बिलीव एंड रियलिटी अबाउट दैम हेयर आर सम्पेशल डिफिकल्ट मैच आप एज ए डेवलपर हो तो आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर के में या मेरे बॉस के में या डेवलपर को दिमाग में कौन कौन से मिथ चल रहे हैं तो हम फर्स्ट वी डिस्कस मैनेजमेंट लीफ मैनेजमेंट क्या सोचता है वी ऑलरेडी हैव ए बुक दैट इज फुल ऑफ स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर बोल्डिंग ए सिस्टम वी वॉन्ट दैट प्रोवाइड माई पीपल विथ एवरी थिंग दे नीड टू नो मैनेजमेंट क्या सोचता है कि मेरे पास बहुत सारी बुक रखी है लाइब्रेरी में ठीक है उसमें सब कुछ दिया हुआ है प्रोसीजर मेथड कैसे बनाना है उसका यूज करके मैं अपने कस्टमर को सॉफ्टवेयर डेवलप कर दूँगा ऐसा उसका सोचना होता बट क्या होता क्या है? जो हमारी बुक होती है वो थियोटिकल कंसेप्ट होता है जब हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तब हमें पता चलता है कि क्या क्या वेलिडेशन होंगे तो जनरली आप जब भी कोडिंग करोगे तो आप बुक पास में नहीं रखते सो नॉट यूज नॉट अप टू डेट हम बुक को जनरली यूज नहीं करते हैं जब कोडिंग करते हैं और बुक हो सकता है कि नाइन्टी सेवन या टू थाउजेंड में लिखी बीस साल से उसमें कोई अपडेट ही नहीं हुआ तो नॉट अप टू डेट बुक अपडेट नहीं होती बुक में एंटर्ड कोड नहीं होता नॉट कंप्लीट और नॉट फोकस ऑन क्वालिटी टाइम एंड मनी ये ऐसा बुक में कहीं नहीं लिखा रहता है क्या आप ये क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोग्राम इतने टाइम में ख़त्म हो जाएगा इतना पैसा खर्च होगा दूसरा मिशिलीप क्या होता है मैनेजमेंट को ए बी गेट बिहाइंड वी कैन एड मोर प्रोग्रामर एंड कैचअप वो क्या सोचता है यदि मेरा काम लेट चल रहा है यदि आज का काम मैंने आज नहीं किया तो मैं कल डबल पर्सन या डबल डेवलपर का यूज करके काम को पूरा कर दूंगा ऐसा उसका मानना होता है कि मैं लेबर बढ़ा दूंगा या प्रोग्रामर बढ़ा दूंगा तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा बट एडिंग पीपल टू ए लेट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मेक्स इट लेटर यदि आप बाद में सॉफ्टवेयर में और भी बंदे को ऐड करते हैं तो आपका काम और लेट हो जाएगा कैसे कि पहले आपकी कंपनी में पाँच लोग काम कर रहे थे स्टार्टिंग में उन पांच लोगों को सब कुछ मालूम था प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट क्या है डिज़ाइन क्या है कोडिंग क्या है आफ्टर वन वीक आपने पांच लोगों को और ऐड किया तो सबसे पहले जो पांच लोग आप ऐड करेंगे उनको ट्रेनिंग देने पड़ेगा उसमें भी टाइम लगेगा ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी फिर उनको प्रोजेक्ट का समझाना पड़ेगा पूरा कि क्या करना है कैसे करना है किसको क्या करना है उसमें टाइम लगेगा तो क्या हुआ आपको जो जल्दी काम करने वाले थे वो और लेट हो गए ट्रेनिंग में ही हमारा टाइम चला गया सो तो क्या है नीड ट्रेनिंग टाइम इंक्रेज कम्युनिकेशन लाइन बॉस पहले पाँच लोगों से कम्युनिकेट कर रहा था अब बॉस को दस लोगों से कम्युनिकेट तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम और इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू डिक्रीजिंग जो डिक्रीज होना था जैसा मैनेजमेंट मान रहा था ना कि नंबर ऑफ प्रोग्रामर ऐड करने से मैं काम जल्दी कर लूंगा बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता तीसरा वो क्या सोचता है इफ आई डिसाइड टू आउटसोर्स द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टू ए थर्ड पार्टी आई कैन जस्ट रिलैक्स एंड लेट दैट फर्म बोल्ट इट कभी कभी हम कहते हैं कि रेडीमेड मॉड्यूल किसी तीसरी पार्टी से परचेस करते हैं तो हम क्या करते हैं तीसरी पार्टी को ऑर्डर दे देते हैं कि भाई मुझे ए मॉड्यूल चाहिए और इस डेट को चाहिए उसके बाद हम रिलैक्स हो जाते हैं हम कभी भी उससे एक फीडबैक नहीं लेते या अपडेट नहीं लेते कि भाई हमारा जो हमने ऑर्डर दिया था वो प्रोग्रेस है या नहीं हम सिर्फ आखिरी डेट का इंतज़ार करते हैं कि मैंने ऑर्डर दिया है आज और संडे को मेरे को कोई आइटम या कोई मॉड्यूल मिलने वाला है तो मैं संडे तक इंतज़ार करूँगा संडे को नहीं आएगा तब मैं उसको कॉल करूंगा ऐसा नहीं होना चाहिए यदि हमने ऑर्डर दिया है तो हम उसको अपडेट कराते रहे कि भाई मैंने जो काम दिया था आपको क्या वो हुआ या नहीं तो क्या है इफ़ आई डिसाइडेड टू आउटसोर्स द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टू ए थर्ड पार्टी आई कैन जस्ट रिलैक्स एंड लेट दैट फन बुल्ड इट एक्चुअल में क्या होता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स नीड टू बी कंट्रोल एंड मैनेज ये आपको पूछना चाहिए उसको कितना काम हो रहा है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज द मेथ्स ऑफ मैनेजमेंट नेक्स्ट मेथ्स ऑफ कस्टमर कस्टमर के क्या मेथ्स होते हैं क्या मिसबिलीफ होती हैं ए जनरल स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट इज सुफिशेंट टू बिगिन राइटिंग प्रोग्राम वी कैन फिल इन द लेटर डिटेल्स लेटर वो क्या सोचता है क्या मैं एक स्टेटमेंट बोलकर चलाऊंगा आपसे क्या मुझे सॉफ्टवेयर बनवाना है पेमेंट के लिए बस इतना बोल के चला जाएगा और कस्ट और डेवलपर समझ जाएगा कस्टमर ने एक सिंपल स्टेटमेंट दिया है क्या कि मुझे एक पेमेंट गेटवे बनवाना है बस और वो सोचता है डिटेल बाद में बता दूंगा मैं डेवलपर को बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता क्या होता है इसमें कि जो उसने स्टेटमेंट बोले वो एम्ब्यूगस हो सकते हैं एम्ब्यूग स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्पेल्ड डिजास्टर आधी अधूरी नॉलेज से अच्छा है आपको कुछ भी नॉलेज ना हो क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज से आपको डिजास्टर होगा स्पेलिंग तो मिस एंड एम्बीस स्टेटमेंट क्या होते हैं वो स्टेटमेंट जिनकी डबल मीनिंग निकले मैं अपने हिसाब से इंटरप्रेट करूं कस्टमर अपने हिसाब से इंटरप्रेट करें तो दोनों का अलग अलग मिसमैच हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है दूसरा क्या सोचता है कस्टमर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट कंटिन्यूली चेंज बट चेंज कैन भी इजीली एकोमोडेट बिकॉज सॉफ्टवेयर इज फ्लेक्सिबल. कस्टमर ये सोचता है कि मैं बाद में भी आके अपनी रिक्वायरमेंट बदल सकता हूँ क्यों क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या है एक कोड है और वो फ्लेक्सिबल होता है जिसको आप कभी भी बदल सको बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता क्यों नहीं होता इम्पैक्ट ऑफ चेंज डिपेंड्स ऑन वेयर एंड वेन इट एकरस इन दॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल अब आपने रिक्वायरमेंट चेंज कब दिया है हो सकता है कि आपने टेस्टिंग फेज में जाके बोला कि आप चेंज करना है तो यदि आप टेस्टिंग फेज में चेंज के लिए बोलोगे रिक्वायरमेंट तो मुझे फिर से रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी पड़ेगी फिर उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी डिजाइन करना पड़ेगा कोड करना पड़ेगा फिर टेस्ट मतलब फिर से इनिशिये फेज में चला गए में तो जो कस्टमर बोल रहा है कि ईजीली चेंज होता है वो एक्चुअल में इजिली पॉसिबल नहीं है इट इज टू हार्ड देन प्रैक्टिसनर वंस वी राइट द ट इट टू वर्क अवर जॉब इज डन प्रैक्टिस प्रोग्राम लिख दिया तो मेरा काम खत्म एक्सपेंडेड ऑन सॉफ्टवेयर इट इज डिलीवर साठ से अस्सी परसेंट काम कब होता है जब हम सॉफ्टवेयर किसी को डिलीवर करते है? कैसे क्या आपने सॉफ्टवेयर बनाया विंडोज़ पर वर्क कर रहा था और जो कस्टमर परचेस करने आया है उसके पास विंडोज़ मशीन नहीं है वो लाइन यूज करता है तो आपको अब चेंजेस करने पड़ेंगे बहुत सारे वॉइस ओवर साइव पॉसिबल है क्या आपने लाइन के लिए बनाया था सॉफ्टवेयर बट मेरे पास लाइन में तो विंडोज़ यूज करता हूँ तो उसको प्रॉब्लम हो गई दूसरा क्या आपने जो सॉफ़्टवेयर बनाया था उसकी हार्डवेयर कन्फ्यूगरेशन बहुत ज़्यादा थी फोर जी रैम चाहिए उसे आई फाइव प्रोसेसर चाहिए और मेरे कस्टमर के पास ये कन्फ्यूगुरेशन है ही नहीं तो क्या करें तब भी आपको फिर चेंजेस करने पड़ेंगे दैट्स इज द रीज़न सिक्सटी टू एट्टी परसेंट ऑफ ऑल एफर्ट एक्सपेंड ऑन सॉफ्टवेयर ए आफ्टर इट इज डिलीवर दूसरा मिस्ट बिलीव किया प्रैक्टिसनर का दैट इज डेवलपर का अनटिल आई गेट द प्रोग्राम रनिंग आई हैव नो वे ऑफ एसेसिंग इट्स क्वालिटी वो सोचता है कि जब तक मैं पूरा प्रोग्राम ना लिख पूरा प्रोग्राम नहीं लिख लूँगा तब तक मैं अपने प्रोग्राम को चेक नहीं कर सकता मैं रन नहीं कर सकता बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता हम प्रोग्राम को ड्राई रन भी कर सकते हैं ड्राई रन मीन्स होता है कि आपके कॉपी पे कोई प्रोग्राम लिखा है आधा ही प्रोग्राम लिखा है तो हम उसको चेक कर सकते हैं कि जैसे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है क्या वेरिएबल प्रॉपर डिक्लेयर है क्या उसमें सेमिकॉलन लगा है मैंने प्रिंट फंक्शन लिखा है क्या उसका फॉर्मेट पूरा है दैट मींस ब्रैकेट है डबल कोट है ब्रैकेट क्लोज है सेमी क्लोज सब है क्या उसमें कर सकते हैं दूसरा तरीका इसको और बोलते हैं फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू सो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस डॉक्यूमेंट डिजाइन डॉक्यूमेंट एंड सोर्स कोड मोर इफेक्टिव टेक्निक होती है टेस्टिंग से आप किसी जैसे आप यदि न्यू कमर्स हो डेवलपर तो आप किसी एक्सपर्ट को अपना जो भी कोड लिखा है उसको दिखाइए उसके बाद आप उसको रन कीजिए जैसे स्टूडेंट क्लास में करता है तो पहले वो लिखता है फिर बोलता है सर मैं इसको चेक करूँ गलत या सही फिर हम डिसाइड करते हैं कि इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं देन उसको एक्चुअल रन करेंगे तीसरा मिस फ्लिप क्या है द ओनली डिलीवरेबल वर्क प्रोडक्ट फॉर इस सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इज़ द वर्किंग प्रोग्राम वो क्या मान के चलता है कि वर्किंग प्रोग्राम वो ही है जो सक्सेसफुली किसी को डिलीवर हुआ आप बीच बीच में उसको टेस्ट कर सकते हो आपने सिर्फ वेरिएबल क्लियर किया उस टाइम रन करके देख लो आप देन फोर्थ विलिप क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विल मेक यूज क्रिएटिव बॉलोमनीस एंड अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन एंड बिल इन वेरिएबली स्लो डाउन वो ऐसा मान के चलता है कि अब जो एस आर एस बनाते हैं डॉक्यूमेंटेशन करते हैं इट इज़ नो नीड अननेसेसरी है क्या जरूरत प्रदेश की बट एक्चुअल में इसकी ज़रूरत क्या है फॉर एक्ज़ाम्पल आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे और आप एज ए डेवलपर काम कर रहे थे तो और आपने सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट ले ली है डिज़ाइन ले लिया है और उसके बाद आप जॉब को छोड़ देते हो उस कंपनी को छोड़ देते हो और कंपनी दूसरे बंदे को हायर करती है और सेम प्रोजेक्ट पे यदि उसको काम करने के लिए बोले और आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है रिक्वायरमेंट और डिज़ाइन का तो न्यू पर्सन को जो नया हायर किया है उसको फिर से रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी फिर से डिजाइन करना पड़ेगा तो इससे क्या होगा फिर से टाइम वेस्टेज होगा तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसका बट प्रैक्टिसनर कोडर क्या जानता है कि गलत काम है इसकी कोई जरूरत नहीं है बट एक्चुअल में इसकी बहुत ज़रूरत है देन वी विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्राइसिस ऑन द ऑरिजन वट आर द रीजन बिहाइंड सॉफ्टवेयर फेल्यूअर है कौन कौन सी रीजन होते हैं जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर फेल होती है द सॉफ्टवेयर क्राइसिस टाइम टर्निंग पॉइंट दैट सॉफ्टवेयर डेवलपर एनकाउंटर डूरिंग डेवलपमेंट हेंस सॉफ्टवेयर क्राइसिस रिप्रेजेंट वेरियस प्रॉब्लम दैट आर फेस्ड बाय सॉफ्टवेयर डेवलपर डूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस जैसे कि डेवलपमेंट टीम एक्सेट द बजट आपको बॉस ने बजट दिया था पांच करोड़ आपने सात करोड़ तो उसमें खर्च कर दिए तो दो करोड़ पैसा कहां से आएगा दूसरा इंक्रीजिंग ऑफ साइज और वॉल्यूम ऑफ द सॉफ्टवेयर आपने बहुत सारा कोड लिख दिया जितना एग्जीक्यूट नहीं चलता आपने एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर दी जो रिक्वायरमेंट नहीं थी देन लेट डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर आपको डेट दी दे थी थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी को आपको सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है बट आपने उस डेट तक सॉफ्टवेयर डिलीवर नहीं किया और उस टाइम तक दूसरी कंपनी ने सिमिलर सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया तो आपका सॉफ्टवेयर कौन खरीदेगा कोई नहीं क्योंकि सिमिलर सॉफ्टवेयर अदर कंपनी लॉन्च कर चुकी है लैक ऑफ स्किल स्टाफ मैनेजर या बॉस ने ऑर्डर तो ले लिया किसी सॉफ्टवेयर का बट मेरे पास स्टाफ ही नहीं है या स्टाफ है तो उसको वो स्किल नहीं है फॉर एग्जाम्पल कि आपने बॉस ने ऑर्डर लिया है कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करूंगा डॉट नेट में और कंपनी में एक भी एम्प्लॉयड डॉट नेट का डेवलपर नहीं तो अब वो आप फुलफिल रिक्वायरमेंट हो नहीं रही देन पुअर क्वालिटी आपने इस प्रोग्राम तो बनाया बट प्रोग्राम का आउटकम सही नहीं आ रहा सही इन द सेंस कि आप सम इनपुट के लिए तो आउटपुट सही देता है बट कुछ इनपुट के लिए आउटपुट गलत देता है देन यूजर रिक्वायरमेंट नॉट कंप्लीटली सपोर्टेड बाय द सॉफ्टवेयर आपको यूजर ने जो रिक्वायरमेंट दी उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका सॉफ्टवेयर नहीं बना तो यूजर कभी भी उस सॉफ्टवेयर को परचेस या डिलीवरी नहीं लेगा डिफ़िकल्टीज इन मेंटेनेंस आप एक यूज करता है और कुछ इरर आता है तो उसको इजी नहीं है मेंटेन करना एंड अनरिलायबल अनरिलायर जिसकी कोई गारंटी नहीं है चलेगा या नहीं डिस्कस दैट इज लेयर टेक्नोलॉजी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिस्टिप्लिन इन विच थियोरीज मेथड एंड टूल्स आर एप्लाइड टू डेवलप प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कुछ थ्योरीज कंसेप्ट होंगे कुछ मेथड्स होंगे कुछ टूल्स जिसको हम यूज करके सॉफ्टवेयर डेवलप इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द दिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम एंड डेवलपमेंट कंसटेंट वेरियस टूल्स एंड टेक्निक आर इन ऑर्डर टू डेवलप सॉफ्टवेयर क्वालिटीज यदि आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको कुछ स्टैंडर्ड मैथ मैटिक्स मैथड यूज करनी पड़ेंगे कुछ टूल्स यूज करने पड़ेंगे सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज ए लेयर टेक्नोलॉजी वाई बी सी लेर टेक्नोलॉजी एनी सॉफ्टवेयर कैन बी डेवलप्ड यूजिंग दीज लेयर अप्रोचेस वेरियस लेयर्स ऑन विच द टेक्नोलॉजी इज बेस्ड आर क्वालिटी फोकस लेयर प्रोसेस लेयर मैथड लेयर्स एंड टूल डिसिप्लिन क्वालिटी मैनेजमेंट इज ए बैकबोन ऑफ सॉफ्टवेयर यदि आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसका सक्सेस किस पे डिपेंड करेगा तीज लेयर्स पे क्या आपने एक क्वालिटी प्रोडक्ट आपने प्रोसेस लिया है जो भी अच्छी प्रोसेस है मेथड आप अप्लाई वो बेस्ट मेथड है सो प्रोसेस लेयर इज ए फाउंडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली प्रोसेस डिपांड द फ्रेमवर्क फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उस सॉफ्टवेयर के लिए क्या मेथड आप यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्रोसेस इन मेथड लेयर द एक्चुअल मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस डिजाइनिंग कोडिंग यूजिंग डिजायर प्रोग्रामिंग एंड टेस्टिंग अब मैंने दिया आपको कि क्या करना है आपको शॉर्टिंग करना है डेटा को शॉर्ट करना है ठीक है रिक्वायरमेंट थी तो आपने उसको एनालिसिस किया कि डेटा क्या है भाई इतना इतना डेटा है फिर हमने डिज़ाइन किया कि इनपुट किस फॉर्म में आएगा फिर हमने उसका कोड किया अब मैंने शॉर्टिंग के लिए सिक्वेंसल सर्च यूज़ किया किसी ने शॉर्टिंग के लिए बाइनरी सर्च यूज किया फिर हमने आउटकम किसी ने सी में कोड किया किसी ने सी प्लस प्लस में कोड किया तो इन दिस मेथड इन लेयर द एक्चुअल मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस डिजाइन कोडिंग यूजिंग डिजर्ट प्रोग्रामिंग एंड टेस्टिंग नेक्स्ट टूल्स आर यूज टू ब्रिंग ऑटोमेशन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने रिक्वायरमेंट ली है क्या वो रिक्वायरमेंट सही है या नहीं तो हम टूल्स यूज करते हैं कुछ जिससे बता दें कि इसमें अनएनबीवस स्टेटमेंट क्या है या हमने डिजाइन किया जैसे डेटा फ्लो डायग्राम है कंट्रोल फ्लो डायग्राम है उसे हम हमारा जो सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट है क्या उसका प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन टूल दीज आर डायग्राम टूल्स मैथड प्रोफेशनल प्रोसेस मॉडल एंड क्वालिटी फोकस देन द नेक्स्ट टॉपिक इज अम्ब्रेलाज एक्टिविटीज अम्ब्रेलाज एक्टिविटीज बट वाट आर द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म डूरिंग द एंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विल बी डिस्कस इन अम्ब्रेलाज एक्टिविटी फर्स्ट वन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल दिस इज एन एक्टिविटी इन विच सॉफ्टवेयर टीम कैन एसेस प्रोग्रेस एंड टेक करेक्टिव एक्शंस टू मैंटेन शुल ट्रैकिंग एंड कंट्रोल में आप लोग जैसे कुछ चीज़ परचेस करते हो ऑनलाइन तो ऑर्डर के बाद आपको एक मैसेज आता है कि आप इस लिंक पे क्लिक करके अपने ऑर्डर का प्रोग्रेस देख सकते हो ट्रैकिंग कर सकते हो तो सिमिलर अप्लाइंस सॉफ्टवेयर कि मैंने किसी को कुछ काम दिया है डेवलपर को कि मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको एक काम करना है तो मैंने उसमें डिसाइड किया कि मंडे को अप टू इतना काम होगा ट्यूजडे को अप टू इतना काम कर देगा डेवलपर वैनसडे को इतना तो मैं उसको ट्रैक करूंगा मंडे को इवनिंग को कि जो मैंने काम बोला था डेवलपर से कि मंडे को अप टू इतना हो जाना चाहिए क्या वो हुआ या नहीं दैट इज़ कॉल्ड ट्रैकिंग एंड कंट्रोल ऑफ प्रोग्रेस यदि नहीं हुआ तो व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड दैट रिस्क मैनेजमेंट द रिस्क दैट मे अफेक्ट प्रोजेक्ट आउटकम्स और क्वालिटी कैन बी एनालाइज यदि मैं कोई काम कर रहा हूँ या कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो इसके सक्सेस या फेलर होने के चांसेस क्या हैं क्या इसमें रिस्क पॉसिबल है क्या मेरे को बजट की कमी पड़ जाएगी डोरिंग डेवलपमेंट क्या मेरे पास मैन पावर कम है क्या मेरे पास टेक्नोलॉजी कम है यदि मुझे एडवांस में पता हो कि मेरे पास मैन पावर कम है तो मैं नया हायर कर लूंगा मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो मैं नई टेक्नोलॉजी बाय कर लूंगा मेरे पास बजट नहीं है तो मैं कहीं से फाइनेंस करा लूंगा देन थर्ड सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस सिमिलर सॉफ्टवेयर डेवलप बाय वेरियस कंपनीज बहुत सारी कंपनी सेम सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं उनमें से किसी एक कंपनी का सॉफ्टवेयर अच्छा चलता है क्यों क्योंकि उसने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वो सॉफ्टवेयर एक क्वालिटी प्रोडक्ट है मतलब तो जितनी भी उसने उसमें एक्टिविटी लगाई थी वो सब स्टैंडर्ड एक्टिविटीज थी स्टैंडर्ड मैथड थी स्टैंडर्ड प्रोसेस थी ड्यू टू दैट उसका जो सॉफ्टवेयर बना है वो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी का है सो दीज आर एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू मेंटेन सॉफ्टवेयर क्वालिटी फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू इट इज रिक्वायर्ड टू एस इंजीनियरिंग वर्क प्रोडक्ट टू अनकवर एंड रिमूव एरर बिफोर दिस प्रोप टू नेक्स्ट एक्टिविटी हम क्या करते हैं जैसे हमने रिक्वायरमेंट ली तो हम रिक्वायरमेंट का फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू करेंगे फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू में रिव्यूअर जो होते हैं वो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं वो विदाउट एग्जीक्यूटिंग योर रिक्वायरमेंट वो फॉर्मली आप रिव्यू करेंगे कि हाँ जो आपने रिक्वायरमेंट ली है क्या वो फिजिबल है या नहीं जो आपने रिक्वायरमेंट के बाद डिजाइन लिया क्या वो डिज़ाइन परफेक्ट या नहीं दैट इज कॉल्ड फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू सॉफ्टवेयर कन्फ्योगेशन मैनेजमेंट मैनेजिंग ऑफ कन्फ्यूगुरेशन प्रोसेस वेद एनी चेंज इन द सॉफ्टवेयर एक्र्स आपने जैसे एक सॉफ्टवेयर किसी को डेवलप करके दिया है उसने एक साल यूज किया दो साल यूज किया फिर दो साल यूज करने के बाद वो फेस करता है कि इसमें कुछ नई फीचर ऐड करनी है तो कस्टमर आपके पास आएगा और रिक्वायरमेंट देगा कि मुझे ए फीचर ऐड करनी है तो हम देखेंगे क्या वो फीचर उसमें पॉसिबल ऐड हो सकती हैं या नहीं दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर कंफ्यूगरेशन मैनेजमेंट नेक्स्ट पॉइंट वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन द एक्टिविटी टू क्रिएट मॉडल्स डॉक्यूमेंट लॉग फॉर्म्स एंड लिस्ट आर कैरिड आउट आपने जो काम किया है जो वर्क प्रोडक्ट बनाया है उसका हम पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके रखते हैं क्योंकि यदि बाद में हमें चेंज करना पड़े या हमारे पास बाद में जो भी कोई बंदा है वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके और काम को आगे बढ़ा सके देन रिजबिलिटी मैनेजमेंट इट डिफाइंस क्राइटेरिया फॉर वर्क प्रोडक्ट यूज रिजबलिटी मीन्स होता है कि आप कोई एग्जिस्टिंग कंसेप्ट एग्जिस्टिंग कोड अपने सॉफ्टवेयर यूज करें कहीं से परचेज करके या फ्रीली अवेलेबल है उससे क्या होगा आपका टाइम बच जाएगा देन और वो क्या होगा कि जो कोड आप यूज करें वो ऑलरेडी टेस्टेड होगा तो आपको फिर से टेस्ट करने की जरूरत नहीं देन मेजरमेंट इन दिस एक्टिविटी द प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एंड कलेक्ट ऑल्सो प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट मेजर्स आर यूज टू एसिस द सॉफ्टवेयर टीम इन डिलीवरिंग द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर दैट मीन्स आप सबसे पहले फाइंड करते हो कि मुझे कौन कौन सी प्रोसेस चाहिए इस एक्टिविटी को करने के लिए फिर हम उस प्रोसेस को मेजर करते हैं क्या जो प्रोसेस हमने सिलेक्ट की है इट इज़ इफिशेंट हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो उसे मेजर करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं कुछ मैट्रिक्स होते हैं जैसे नंबर ऑफ डिफेक्ट्स है एफर्ट कितना लगेगा ठीक है ड्यूरेशन कितना लगेगा लाइन ऑफ कोड कितना आएगा दीज आर द नंबर ऑफ पैरामीटर्स फॉर मेजरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर सो इफ़ यू आर लाइक दिस वीडियो देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर थैंक यू